नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो है सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में आए हुए हैं और मैं प्रोफेसर दिगंबर मुकाट आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। और हम लोग आए हुए ये जो है ये औषधि वनस्पति का उद्यान है और ये उद्यान जो है इसका एक अच्छा हिस्ट्री है और ये उद्यान अभी एक एजुकेशन, एक रिसर्च के लिए और एक एक्सटेंशन के लिए अच्छा सेंटर बन चुका है। तो इसका हिस्ट्री अगर हम देखना चाहते तो जब सेकंड आयुर्वेद कांग्रेस जब पुणे विश्वविद्यालय में हुआ था वो टाइम पे आदरणीय वैद्य दादा खड़ीवाले वो काफ़ी हमारे वृक्ष औषधि के पौधों के ऊपर प्यार करते थे और वो चाहते थे कि औषधि वनस्पति का एक कॉन्जर्वेटरी बने, एक सेंटर बने। और जो हमारे डॉक्टर वीबी डोई फोड़े सर जो है और हमारे पुणे वनस्पति विज्ञान शास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर देवकुले सर, इनके सहयोग से ये गार्डन बनना शुरू हो गया था 2006 में। तो ये जो गार्डन है, ये जो बगीचा है, अभी 4 एकड़ में फैल चुका है और यहाँ पे लगभग 400 प्रजातियों का संग्रह हो चुका है। तो अगर हम देखें आयुर्वेद का, तो आयुर्वेद के जो बृहद पंचमूल है, जो लघु पंचमूल है, अलग अलग जो ग्रुप्स दिए हुए हैं उसके सभी पौधे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और थोड़ा हम इसके बारे में जानकारी ले लेते तो गार्डन के बारे में आप जरूर आखिरी तक देखते रहिए। औषधि पौधों में हमें पता है कि हमारे देश में अच्छी संपदा हमारे पाई जाती है और यहाँ पे जो हमारी संपदा है, हमें अच्छा एक आयुर्वेद का हमारा जो है उसका हमें एक वारसा भी है और हम चाहते हैं कि हमारा जो आयुर्वेद है उसमें जो प्रजाति मेंशन की है, बताई गई है, तो उसका संग्रह हमारे अभी हम गार्डन में आ चुके हैं, हमारे उद्यान औषधि उद्यान में आ चुके हैं। तो ये जो उद्यान है हमारा, तो अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल है, डाइवर्सिटी है, यहाँ पे बर्ड्स का डाइवर्सिटी है, इंसेक्ट का डाइवर्सिटी है, बिकॉज हमारे पास जो औषधि पौधों का डाइवर्सिटी है उसके वजह से यहाँ पे अच्छा अभी डाइवर्सिटी बन गया है। आज अगर आप देखें यहाँ पे तो काफ़ी रेयर ट्रीज हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, उसमें से एक जो है यहाँ पे सारा का अशोका है, सीता अशोक का पौधा लगा हुआ है, 4 साल का पौधा है, अभी उसको फ्लावरिंग भी हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सीता अशोक का पौधा है उसका ग्रोथ आप देख सकते हैं और सीता अशोक जो है प्रदर विकार में काफ़ी अच्छा ये है और इसका पॉपुलेशन कम हो चुका है, तो इसका कॉन्जर्वेशन होना जरूरी है। तो ऐसे जो पौधे वृक्ष प्रजाति ये कम होने लगी है और ये वृक्ष प्रजाति कम होने के कारण उसका कॉन्जर्वेशन होना जरूरी है, उसका कल्टीवेशन होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये दंती का पौधा है, इसको बैलियोस्पर्मम मोंटानम ऐसा बोला जाता है, इसको जमाल गोटा भी बोला जाता है। तो ये जो दंती पौधा है ये भी यहाँ ये गार्डन में मेंटेन हम कर रहे हैं। यहाँ पे ये बीजा का वृक्ष है, इसको विजय सार भी बोला जाता है, टेरोकार्पस मार्सुपियम। हम यहाँ पे गार्डन में जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे किसान भी आते हैं, हमारे आदिवासी भाई भी आते हैं और सभी स्टेक होल्डर जो है यहाँ पे मार्केटिंग करने वाले आते हैं, प्रोसेसिंग करने वाले, तो सबको यहाँ पे पौधों की पहचान, पौधों का कल्टीवेशन, औषधि पौधों की खेती, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बार्क जो है, काफ़ी औषधि पौधों की बार्क जो वृक्ष प्रजाति है, जैसे कि लोधर है, वरुण है, बीजा है, अर्जुन है, इसकी छाल जो है वो हम दवा में यूज करते हैं और उसका निकालने का तरीका सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग, इसके बारे में भी हम यहाँ पे जानकारी देते हैं। ये जो गार्डन है, ये गार्डन में आप वृक्ष प्रजाति भी देख सकते हैं, इसमें श्रब्स भी देख सकते हैं, हर्ब्स भी देख सकते हैं और ये जो डाइवर्सिटी है, अच्छा डाइवर्सिटी होने के कारण यहाँ पे जो हमारे पश्चिम घाटी में जो वेस्टर्न घाट्स है, इट्स ए वन ऑफ द हॉटेस्ट हॉटस्पॉट, ये हॉटस्पॉट भी है और इसमें पाए जाने वाली औषधि पौधे, औषधि प्रजाति यहाँ पे पुणे विश्वविद्यालय में ये महामना वैद्य दाजी शास्त्री पदे जो उद्यान है, औषधि उद्यान, उसमें इसका कॉन्जर्वेशन हम कर रहे हैं और कॉन्जर्वेशन करके ये मदर ऑर्चार्ड करके भी काम कर रहा है और ये मदर ऑर्चार्ड के माध्यम से काफी सारे यहाँ पे रोप भी बना रहे हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी समाज में कर रहे हैं और उसका उसके तरह से गार्डन के गार्डन जो है, ये गार्डन अभी एक अच्छा मदर ऑर्चार्ड बन चुका है और हमें अभी इसका बीज भी मिलने लगा है। हम दोनों वेजिटेटिव और सेक्सुअल असेक्सुअल मेथड से यहाँ पे प्रोपोगेशन कर रहे हैं, उसका रोप भी बना रहे हैं। आप रोप भी देख सकते हैं यहाँ पे हमारे नर्सरी में,
बहुत ही अच्छा, लगभग हम हर साल 3-4 लाख अभी रोप भी बना रहे हैं और लोगों में वो बांट रहे हैं। ये जो गार्डन है 2013 में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड उन्होंने ये गार्डन के एक्सटेंशन के लिए, उसका एनरिच करने के लिए, अच्छे तरह से मेंटेन करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। और वो प्रोत्साहन से वो गार्डन बनाने के लिए हर्बल गार्डन उनका स्कीम है, वो स्कीम के माध्यम से जो संस्था होती है, जो गांव होते हैं, विलेज हर्बल गार्डन है, स्कूल हर्बल गार्डन है, पब्लिक हर्बल गार्डन है, इंस्टीट्यूशनल हर्बल गार्डन है, उसके लिए वो अनुदान देते हैं। और हमने भी हमारे संस्था के लिए इसका अनुदान लिया है। और आप देख सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है यहाँ पे, आयुर्वेद में जो सब्स्टिट्यूट यूज़ होते हैं, जो प्लांट्स अडल्ट्रेंट करके यूज़ होते हैं, क्योंकि उसका पता होना ज़रूरी है अच्छी दवा बनने के लिए। पौधों के बारे में पूरी जानकारी, उसका वनस्पति विज्ञान, आपको द्रव्य गुण विज्ञान, ये सब जानकारी आपके पास होना जरूरी है।